नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा सजेशन से रिलेटेड है, जिनका एग्जाम IBPS PO प्री का 16 तारीख यानी कि कल या फिर 22 को शेड्यूल्ड है, उन सब के लिए क्या सजेशंस रहेंगे उस पर ये वीडियो हमारा बनाया जा रहा है। आप भी जानते हैं मेरा आज एग्जाम था, तो उससे जो जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका भी एग्जाम काफी अच्छा जाए और आपका भी चयन बैंक में जरूर हो जाए। इसमें हम बात करेंगे क्या कट ऑफ ज्यादा रहेगा और बाकी बचे समय में आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा और एज मिले और आप ज्यादा से ज्यादा अंक एग्जाम में ला पाएं। तो ये हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। IBPS PO सजेशंस 2022-2023 फॉर 16th and 22nd October स्टूडेंट्स ऑफ IBPS PO प्री। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी पहले से सोच के ना जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो हमारी सेकंड शिफ्ट थी उसमें आपका क्वांट जो है वो बताया गया कि काफी ट्रिकी रहा, थोड़ा सा लेंदी रहा, उसमें लोगों के अटेम्प्ट्स कम हो गए सेकंड शिफ्ट में क्वांट से रिलेटेड। अब मैं आपको थर्ड शिफ्ट के बारे में बताऊं तो थर्ड शिफ्ट में थोड़ा अलग हुआ। थर्ड शिफ्ट के अंदर रीजनिंग ने लोगों को परेशान किया, क्योंकि इसमें पजल्स ज्यादा आई थी और तीन तीन मार्क्स की आई थी। जैसे एक पजल आई सर्टेन नंबर ऑफ अनसर्टेन नंबर ऑफ, जिसमें कैंडिडेट्स होते हैं, तो उसमें सिर्फ तीन ही क्वेश्चंस थे, तो ज्यादा पजल्स बनाने की कोशिश करी गई। मतलब जैसे 6 पजल्स बनाए गए, किसी में 3 दे दिए, किसी में 4 दे दिए, इस टाइप से। तो सेकंड शिफ्ट में क्वांट थोड़ा सा ट्रिकी लेंदी रहा, थर्ड शिफ्ट में आपका रीजनिंग आपका थोड़ा सा लेंदी रहा या ट्रिकी रहा आप कह सकते हैं। यही आप बात करें फर्स्ट शिफ्ट ठीक रहा है, इजी रहा है, फोर्थ शिफ्ट भी इजी रहा है। अब ऐसा मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर सभी कैंडिडेट्स ये सोच के जाते हैं कि हम क्वांट में और रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर लेंगे, इंग्लिश को वो थोड़ा कम ही अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उसमें उनकी एक्यूरेसी नहीं बन पाती है। परंतु ऐसा आप पहले से बिल्कुल सोच के ना जाएं, क्योंकि देखिए आज सेकंड शिफ्ट में क्वांट में ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं कर पाए, थर्ड शिफ्ट के अंदर रीजनिंग में अटेम्प्ट्स थोड़े से गिर गए। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेशंस दूंगा कि आप कोई भी प्री कंसीव्ड लोशन पहले से कुछ सोच के ना जाएं, बल्कि जब जो सेक्शन आपका खुलता जाए उसमें आप अपना 100% देने का प्रयास करें। मैं आपको ऑर्डर भी बता देता हूं कि किस ऑर्डर में एग्जाम खुलेगा वहां पे। तो फर्स्ट आपका इंग्लिश रहेगा, सबसे पहले आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा, सेकंड सेक्शन आपका क्वांट का रहेगा, क्वांट सेक्शन रहेगा, थर्ड आपका रीजनिंग रहेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि रीजनिंग में आप 30+ कर लेंगे, क्वांट में थोड़ा कम कर लेंगे, या जैसा हम पहले से सोच के जाते हैं ना कि हम इतने अटेम्प्ट्स बनाएंगे, इसमें इतने बना लेंगे, इसमें ज्यादा कवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। जैसे जैसे आपके सेक्शंस खुलते जाएं आप उसमें अपना
पूरा 100% देने का प्रयत्न करें। और एक चीज मैं कहूंगा कि आप एक्यूरेसी का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट को आप सेकंड या थर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, उनमें काफी अंतर रहा है। तो इसीलिए आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप बिल्कुल एक्यूरेटली कीजिएगा, तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ के आएंगे और आपके आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन था। आप अभी भी वीडियो में बने रहें, मैं आपको और भी काफी अच्छे सजेशंस दूंगा। ये आपका जो टाइम है ये बिल्कुल यूटिलाइज आपका होगा, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया है कि क्या कट ऑफ ज्यादा रहेगा, तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि इसके बारे में आप अभी बिल्कुल भी ना सोचें। आप अभी एग्जाम पर फोकस करें, आप अपने ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेटली आप अपना पेपर बनाएं, जितने मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली आप करने का प्रयत्न करें। कट ऑफ के बारे में हम चर्चा आपसे बाद में करेंगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब आप अपना अटेम्प्ट्स भी हमें बता सकते हैं, इस वीडियो में भी बता सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाएगा। कट ऑफ हमारे द्वारा आपको बाद में बताया जाएगा, उसके बारे में बिल्कुल भी आप ना सोचें। अभी आप बाकी बचे समय में क्या कर सकते हैं, तो वैसे तो कहा जाता है कि इस समय आप पढ़ना बंद कर दें, बस अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, फोटो एक आप ले जाइएगा, पेन अपने रेडी कर लीजिए, अपना आईडी रख लीजिए ओरिजिनल और आईडी की फोटोकॉपी, और डिक्लेरेशन भी आप रख लीजिए, जो COVID-19 का डिक्लेरेशन है वो रख लीजिए, और अपना टाइमिंग देख लीजिए कि आपका कितने बजे एग्जाम है, और टाइम से पहले ही वहां पर पहुंच जाइएगा। पर फिर भी मैं अभी के लिए आपको एक सजेशन जरूर दूंगा, वो सजेशन ये होगा आपके लिए कि आप मेमोरी बेस्ड पेपर आज का जरूर देख लें, उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप कल एग्जाम में या 22 तारीख को एग्जाम में टैकल करेंगे। और कुछ भी आप दिमाग में पहले से सोच के ना जाएं कि मेरा आरसी अच्छा नहीं बनता है तो मैं आरसी स्किप करूंगा, या कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पैरा जंबल नहीं एक्यूरेटली बना पाता हूं तो मैं पैरा जंबल स्किप कर दूंगा, या कोई कहता है कि मेरा ब्लड रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, या मेरे अरिथमेटिक सेक्शन अच्छा नहीं है मैं उसको स्किप कर दूंगा और मैं DI कर लूंगा, ऐसा आप कुछ भी सोचकर ना जाएं। वहां पे आप देखते जाइएगा क्वेश्चन और आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं भी स्टिक मत कीजिएगा कि इसको बनाना ही है, ईगो पे मत लाइएगा। आप उसको थोड़ा सा समय दें, बनाएं, आगे मूव करें, जो जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आप उनको टैकल करते जाएं। और कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है आपको, हर सेक्शन में आप अपना 100% देने का प्रयत्न करें। सबसे पहले इंग्लिश आपका खुलेगा, उसको आप इजी क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो आप टैकल करिएगा, एक्यूरेटली जरूर कीजिएगा, है ना, और एक्यूरेसी में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि आप एक्यूरेटली ना करें, मतलब अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी से खिलवाड़ ना करें। क्वांट में भी बिल्कुल ऐसे ही, जो जो आपसे बनता जाए आप बनाते जाएं। रीजनिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, कहीं भी स्टक नहीं होना है कि किसी पजल में हम रुक गए हैं, आप नेक्स्ट मूव ऑन करिए, आगे दूसरे क्वेश्चंस करिए, टाइम बच जाता है तो आप लौट कर उस क्वेश्चन पे दोबारा भी आ सकते हैं। अभी के लिए आप मेमोरी बेस्ड देख सकते हैं, या मेमोरी बेस्ड एग्जाम भी अपलोड हो गए हैं तो उनको आप एक बार करके देख सकते हैं, जिससे एक पैटर्न आपके दिमाग में बन जाएगा कि किस टाइप से आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों का आज एग्जाम था वो लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उनके कितने अटेम्प्ट्स थे और उनकी कौन सी शिफ्ट थी और उनको किस सेक्शन ने थोड़ा सा परेशान किया, तो उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करके कट ऑफ भी आपको प्रिडिक्ट करके थोड़े दिनों बाद जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम आपको जरूर बताएंगे। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई शंका है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिनका भी कल एग्जाम है, बिल्कुल बिंदास होके जाइएगा, आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा और हम आपके साथ सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।